हाँ जी, मेरा बच्चा बड़ा बिजनेसमैन हो गया। बड़ा नहीं, बिजनेसमैन बोलो। अभी इसको बड़ा होने के बाद से बहुत टाइम लगता और बहुत मेहनत लगती। शुरुआत कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा कदम वही छे। क्या बात बोले अम्मी, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, धंधा तो शुरू हो गया, मगर दावत कहाँ है? वो मेरे मैनेजर से पूछना पड़ता। ज़ैनब, कब है पार्टी? आज ही छे पार्टी। आज ही छे? देखो मेरे को मालूम भी नहीं, इतना बिजी हो गया मैं। ज़ैनब, यू हैव टू कीप मी अपडेटेड। क्या बनाएंगे जी दावत में? अरे खाना छोड़ो अम्मी, मर्फे पे खतरनाक परफॉर्मेंस होना आपका। चुप, मेरे को नहीं आता मर्फा गिरफा। अरे गिरफा नको करो, मर्फा करो। अपिंग जिपिंग, अपिंग जिपिंग। अच्छा, मेरी मामी से बात हो रही थी। हाँ। उन्हों मामू और मामी भी आ रहे हैं। मामी कहीं को आ रहे हैं, उनकी नजर अच्छी नहीं है। अरे अम्मी ऐसा नहीं बोल देना, मामी है। तू बहुत सही ले रही, मामी की थोड़े दिन से देख लू मैं। याद रख, मेरी दुश्मन की दोस्त मेरी दुश्मन। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भैया, वो शर्फू भाई भी बोल रहे थे। हाँ। बच्चे का बिजनेस शुरू हो गया, दावत जो बोल के। अरे काम करो भाई, आज पूरों को बुला के एक दावत करो, खिस्सा खत्म। उसके बाद मेरे को काम पे फोकस करना है। अब सबका कौन पकाते, मैं और ज़ैनब? वो वन डिश पार्टी कर लेंगे ना अपन। हाँ, दावत में बुला के एक डिश खिलाते, पूरे खानदान में थूथ हो जाती। दावत में बुला के एक डिश खिलाए बोल के। नहीं अम्मी, इसको पॉटलक डिनर बोलते। हर दावती एक एक डिश लाता। ये क्या है, दावत दे के बुला रहे हैं, उन लोगों कुछ खाना ला ले बोलते। ऐसा है तो रोज किसको भी दावत दे के बुला लेंगे, पका के ला लेते। हाँ अम्मी, आजकल ऐसा ही हो गया, दावत बोलते कि लोग बावर्ची रख ले रहे, नहीं तो पॉटलक कर ले रहे। इजी भी हो गया ना, किसी को तकलीफ भी नहीं है, है ना? हाँ, ऐसे घर के दावतों की आदत ही छूट गई सबकी। आजकल ऐसा हो गया यार शेख, अपना अपना देख। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ही घंटा दबाओ। तुम क्या लाए? चिकन का सालन और मिठा लाई आपकी मीठी जबान के लिए। मैं भी अब करेले तल रही थी तुम्हारी कड़वी जुबान के लिए। मेरी जुबान या आटे की कड़वी हो गई आपा, आपके करेले के सालन की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा है, 20 रुपए के करेले तुम्हारे वास्ते वेस्ट भी नहीं करना चाह रही थी। आप ये मेरे को दे दीजिए ना, मैं रख देती हूँ अंदर, आराम से बैठिए आप लोग। अरे मामू नहीं आया क्या? कहाँ है? नीचे कार पार्किंग ढूंढ लेते फिर रहे, पार्किंग ही नहीं मिल रही। अरे आप ना तो बैठो। क्या शार्क, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और पार्किंग नहीं है? मैं भी दूसरों की पार्किंग में लाया के आ गया। अरे उन्हें आके हटाओ बोलते। अरे तो उसकी टेंशन न ले, मैं वो देख ले तो। खैर, नया धंधा मुबारक। थैंक्स मॉम। अगर तेरे को पैसे कमाना ही था तो मेरे से एडवाइस तो लेना था। अरे एक से एक शॉर्टकट बताता था, 0% इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। नाइस क्या मामू, अगर शॉर्टकट हमारे ना सीधा डेड एंड मिलती। मैं हाईवे पकड़ लिया, एक ही रोड सीधी रोड। फुल स्पीड पकड़ लिया बोल ना। अरे नहीं मामू, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बचपन में सीख गया था मैं। ज्यादा भी स्लो नहीं जाना, नहीं तो दूसरे गाड़ी आगे निकल जाते। मेरे को दूसरे गाड़ियों की फिक्र नहीं है, मैं मेरी मंजिल तक पहुंच गया तो बस है मेरे को। मैं शार्क से बात कर रहा हूं या कबीर के दोहे सुन रहा हूं? फिलॉसफी आखिरी झाड़ रहा तू है? जिंदगी सिखा देती मामू फिलॉसफी। ये फिलॉसफी की बात पैसे कमाए बात करे तो अच्छा दिखता, कंगाल हालत में सूट नहीं करते। अब जाके मैं तेरे जरा पापा से मिल के आता हूँ, नहीं तो उनका मुंह बन जाता, आते ही मेरे से नहीं मिले बोलते। अरे नहीं, ऐसा नहीं करते पापा। तेरे को नहीं मालूम रे, कभी कभी उन्हें पक्के दामाद बनने को जाते। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे शर्फू भाई, स्वागत का क्या है, सीधा घुस जाना रहा था। अब क्या रेड कार्पेट बिछाऊ? रेड दसर खान बिछा, भूख लग रही। उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ओफो, देख रहे मियां बीवी का खेल, भी फोन करके खाना लाओ बोलते, मियां क्या बोलते, सो इसकी क्या जरूरत है, बस से ये ड्रामा। अरे मैं भूल गया था, वो सब एक एक डिश ला रहे सो। और वैसे है क्या, ठंडा ठंडा दिख रहा आइसक्रीम है शर्ट। नहीं जी बाबा, वो कल का सालन था फ्रिज में रखे हुआ, ऐसा सटर नहीं बोले तो कहाँ से पकाना होता। नहीं हाँ सही बोले, ये सोम ना ज़ैनब की गलती है। क्या गलती है मेरी? तुम ज़ैनब नहीं जी, शर्फू भाई के भी खानदान में एक ज़ैनब है। अरे हट, मेरे इशारों में कोई नहीं है, तुम्हारी बुराई कर रहा था इन्हें। अरे बुराई नहीं कर रहा था जी, जुलेखा आंटी वो बोल रहे थे अगर 2 दिन पहले कॉल करते तो बना लेते थे उन्हों, अब एकदम इमीडिएट बोले तो कैसा होता, इसलिए उन्हों जो है 1 दिन पुराना फ्रिज का सालन ले लेके आए। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, खराब नहीं हुआ तो बस है। नहीं चक्कर ही मई, तुम्हें चुंगली डाल के देख लो, चिकट है तो फेंक दो, नहीं तो घर में पहुंच जाती। इमीडिएट फेंक दो ये। ऐसा कैसा, नहीं फेंक सकते,
निकाल के रखना पड़ता टेबल पे, ना तो बुरा मान जाते। यही सबके डिशा निकाल के रखे, देखो हमारा इस नहीं निकाले बोल के। ठीक है एक काम करेंगे, उन लोगों को खा लेने दो, अपन नहीं खाएंगे। नहीं ऐसा कैसा, सबका चखना पड़ता, नहीं तो फिर वो होता सबका खाना खाए हमारा इस नहीं खाए देखो बोल के। तुम ये सीरियल वाले बहू कहीं को बन गए? वो आप बिजनेस स्टार्ट करें ना, तो मैं आज अच्छे मूड में हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब मैं रो लूँ? नहीं रो ना को, जेंट्स में जाके बैठ जाओ आप खाली, सब बोलना शायद आपको। क्या रिजवान मियां, ये नया सुन रहा हूँ मैं, दावत देखे अपने घरों से टिफिन लाओ बोल के बोल रहे हैं। अरे ये जनरेशन में मैं भी नया नया सुन रहा हूँ, अगर आप आने में देर क्यों कर दिया? ऐसा सौदा लेने निकला, कौन की अनपढ़ जाहिर मेरी पार्किंग में गाड़ी लगा दिया। कार के इन्हें फोड़ देना, अगली बार नहीं लगाते। अच्छा आइडिया दिए, अब भी जाके फोड़ के आता हूँ। बाबू कहीं आपकी गाड़ी तो नहीं है, 203 में लगाए क्या? अरे शर्फू भाई मजाक करा, खाली पीली केस वेस हो जाएगा, काका लगाए। नहीं होता, मेरी पार्किंग में सीसी कैमरे नहीं है। अरे शर्फू भाई खाली आईने नको फोड़, चूल्हे में एक तेज नई छुरी है, लेके जाके टहरों में घप बोल के भोग दो खत्म। अरे शर्फू भाई आप ठहरो, मैं भी चलता हूँ आपके साथ दावत के बाद, वो एक जनों का काम नहीं है, एक जना कवरिंग को ठहरना पड़ता। ठीक है ये सब सही, मगर आपकी तारीफ। मेरी तारीफ करने अगर बैठा ना पूरे 3 दिन लगते, मेरे जैसा परफेक्ट आदमी पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा। आप होंगे तुम तुरुम खां, मगर इन लोगों के क्या होना? ए तुरुम खां किसको बोल रहे हैं? इन्हों पड़ोसी है ना। हाँ तुम कैसा पहचानते? एक बार आपकी लाश फेंकने की प्लानिंग करा था मैं। क्या ऐसी डार्क जोक्स करते रहते मामू? शर्फू भाई भूलते रहते, चला कहीं को याद दिला रहे। चलो कौन कौन स्टार्ट कर रहे अपने अपने खानदान की बुराई। चलो मैं शुरू कर देती हूँ, मेरी ननन एक नंबर की कमीनी औरत है। कईकू कमीनी है, जरा डिटेल में बोलो। आपा सुन रहे कुछ बोल रहे हो नो? तुम चुप बैठे तो सुनेंगे ना, बोलो जुलेखा। मेरी ननन शर्फू को मेरे खिलाफ कुछ तो अभी बोल के चढ़ाते रहती, वेट लूज करो बोल के मैं क्या उनके बाप का खा रही हूँ। आपकी किस्मत अच्छे है, इतनी अच्छी ननन मिली आपको, आपकी सेहत का ख्याल रख रही। चर्बी मैग्नेट है बीमारियों के लिए, शुगर जिप, बीपी जिप, दमा जिप। ए चुप, तू मेरी बीमारियों की मैग्नेट है, तुम आते टेंशन जिप। मैं आई तो टेंशन, इतना कहीं को डरते? इधर भी नहीं बनती नंदा भाजों की, मैं तो मेरी ननन की शिकायत कर ली हूँ, तुम ना किसी और दूसरों की कर लो। क्या मियाँ कहीं खुदा ने कपड़ों का कारोबार नहीं चलता? खुदा ना खास्ता कहीं को ऐसा बोल रहे शर्फू भाई। अरे सलमान खान फेल हो गया ये बिजनेस में, तू तो गली का शाहरुख है। गली बॉय नहीं देखे शायद शर्फू भाई, अपना टाइम आएगा। शार्क तेरे को ऐसे बहुत लोग मिलते अपनी अपनी राय देने वाले, इन लोगों को एक कान से भी नहीं सुनना, आंखों से सुने जैसी एक्टिंग करना, लाइट ले लेना। अरे अपन सीधी बात करते जी। सीधी नहीं गैप का इल्म है जैसी बात कर रहे तुम, ये नहीं चलता वो नहीं होता, तुम्हारे कैसा मालूम जी नहीं चलता सो? हाँ शर्फू भाई हर बिजनेस में रिस्क है, अब आप बोलो कौन से बिजनेस में रिस्क नहीं है? सोच के बोलता हूँ। क्या हुआ अब तक नहीं सोचे किसकी बुराई करना है बोल के? अब तुम्हारी तो नहीं कर सकती ना, तुम सामने छे भोगी कर लेती हूँ जान दो। और लेडीज क्या चल रहा? तुम्हारी बुराई स्टार्ट कर रहे थे तुम्हारे सास, तुम आ गए। ये गीबता नहीं करना, मैं दावतों में भी देखती हूँ मालूम ऐसी गीबता कर लेते रहते, बहुत बड़ा गुनाह है अपने पास। ओफो क्या तेज है इन, सास को समझा रही क्या आप, घोल के पी गई ने आपको। शाहरुख जैनब इसके सिर पे हाथ रख। कहीं को बोली ना रे, बाला खराब ना करो जरा। अब बोल तू जिंदगी में कभी मेरी गइबत नहीं करी, जिंदगी में छोड़ गए हफ्ते नहीं करी। क्या हुआ अम्मी धंधा अभी स्टार्ट हुआ बंद कराते क्या? अब यहाँ बैठना बोले तो ये टीम में मिल जाना पड़ता। नहीं भाई वो तो मैं ऐसे बोल रही थी, चलिए अपन गइबता करेंगे। हाँ आ गया हजाम बिना रिस वाला बिजनेस, बहला दो लोगों के बढ़ते रहते खाली खचा कच खचा कच खचा कच समझे? ठीक है मैं एक सैलून डाल के देता हूँ, मेरे अंडर काम कर लो, फिर काटो खचा खच बाला, मैं धनाधन नोटा गिनता हूँ। मेरे क्या जरूरत है, तुम लोगों को मशवरा दे रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। वो भी आप जैसे लोग धंधा बना लिए। हाँ उन्हों भी खैची से काटते। वैसे आप क्या करते जनाब बड़े बातों के अलावा? तुम जैसे छोटे लोगों को मेरे बातें बड़े दिखते,
वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। नहीं समझा मैं। Hence proved। अरे पैसे कमाने क्या करते पूछ रहा हूँ मैं। मियाँ मेरे कई कारोबार हैं। एक तो बोलो। इन्वेस्टमेंट करना है तो बोलता हूँ। अरे करना तो है इन्वेस्टमेंट। मामू आज के दिन आपका स्कैम नको। वैसे तो अभी स्लॉट नहीं है, है जब बोलता हूँ। वैसे तो रियल एस्टेट हैदराबाद में बूम चल रहा। वो छोड़ो आप लोग, मेरे दोस्त के नानी बोल रही हूँ मैं, 75 इयर्स के हैं उन्हों, मगर आज भी सबके बीच में लड़ाया लगाते हैं उन्हों। चौकड़ा है मगर सबके साथ 36 का आंकड़ा है, मुंह खोले तो पॉइजन। आई वखत ना सखत बुढ़ी चढ़ी तखत ले। मेरे पूरे जिठानिया अजधा सांप है, एक बार तो जू वाले भी पकड़ के लेके चले गए थे उन लोगों को। ऐसा फिर क्या, मेरे को भी आता बीन बजाने, सबको नचा देती मेरी धुन पे। भाई क्या जी आपा, तुम किसकी भी बुराई नहीं कर रहे, गैर कर दे रहे हमारे को। जिसकी बुराई करना है दोनों यहीं बैठे हुए हैं। आप दोनों जाओ ना, मैं गिबत हो गया बाद में बुलाती हूँ। नहीं। अरे भाई शमशाबाद को देख लो, पहले जंगल था, 100 रुपए गज तो नहीं लिया, अब क्या डेवलप हो गया। मैं भी लेने वाला था वहाँ पे। अरे मैं उठा लिया ना 1000 से 3 एकड़। खाना खाने के ना बहुत देर हो गई। चलो फिर देर किस बात की, मैं निकाल दो वो तो। एक दिन में प्रदर्शन करते हैं आप भी कैसे बिजनेस स्टार्ट कर देते हो क्या आते हैं आप क्या करते हैं तो मेरे को नहीं देखते हो अभी के बाद भी आप कैसे बिजनेस करते हैं क्या क्या करते हैं। लेडीज शिकायता गीबता चुगलखोरियां का कोटा हो गया आप लोग का, तो खाना खा लेंगे ना, भूख लग रही। जैनब निकाल दो। चावल 2 चमचे डालो खाली। बस डाइटिंग पे दिख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। डाइटिंग भी है फाइटिंग भी है। बस मामी हाँ लीजिए ना। अरे क्या फीका है ये, तुम्हें पका वैसा दिख रहा, नमक में भी कंजूसी तुम्हें कर सकते। हमारे साले साहब शर्फ साहब गोश लीजिए। आप बने सो सालन में नमक कुंटलों का दिख रहा भाभी, आप कभी भी मेरे को भी देते क्या। वाह क्या बना भाई सालन, मजा आ गया, गोश अलग हड्डी अलग हो जाएगी। वो सब छोड़ो, मैं लाया सो सालन को। हमारी बेगम बनाए। अच्छा चारो मैं लाया सो सालन कैसा है। सालन जबरदस्त है लेकिन ये रबरमैंड नहीं गला है। मजा आ गया, एक जमाने के बाद गेट टुगेदर हुए, ऐसे ही पॉटलक करते रहना और सबके हाथों का टेस्ट मालूम होता खाने का। वो तो ठीक है भाई जान, मेरे पेट में से कुछ अजीब साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं। मामू मेरे पेट में तो ऑर्केस्ट्रा चल रहा। मेरे पेट में गोल करना, कुछ गड़बड़ी हो गई दिख रहा। असल कोई खाने में करे गड़बड़ी, इसके वास्ते पेटा खराब हुए जैसा दिख रहा मेरे। शाहरुख जुलेखा आंटी पुराना सालन लाए थे। ओ यार उसमें रबर बैंड भी निकला था। जुलेखा आंटी पुराना सालन लाए थे, क्या बोलना चाह रहे। आए हाय बेगम, ये मेरा सालन था क्या। क्या मतलब जी, मेरा जुलब वाला। हाओ जी माँ गलती हो गई। क्या गलती हो गई अम्मा, खुला खुला बोलो, वहाँ डॉक्टर को बोलना पड़ता कौन सा जहर गया पेट में। अरे थोड़े दिन से इनका पेट कब्ज है, दवा खा रहे हैं। अब क्या हो रहा, रात में भूल जा रहे हैं तो मैं सालनों में मिला के दे रही हूँ। अब गलती से वही सालन ला ली मैं तुम लोगों के पास। शार्क तेरे घर में कितने टॉयलेट है। 4 और अपन है 6 और ये दोनों तो 203 में रहते, ये लोग वहाँ चले जा सकते। आप ऐसा लुक रखो दो अभी निकल जाएंगे। हाँ और शर्फू भाई आपको जुल्लाब की क्या जरूरत है, ये लुकी जुल्लाब का काम कर रही। एक काम करेंगे, पहले जेंट से लेंगे बाद में लेडीज। पापा यही बोलने वाला था, सही बोले आप। अरे ऐसा कैसा होता, हमेशा सुने ना लेडीज फर्स्ट, व्हाट से लेडीज सपोर्ट मी लेडीज। अरे वो खाने के मामले में रहता, ये मामले में नहीं। बॉयज फॉलो मी टू बैतुल खला। अब एक सेकंड मियां, तुम्हारा कैसा मालूम है 203 में रहता बोल के। अरे अपन पड़ोसी है ना जी। तुम्हें लगा है नहीं मेरी पार्किंग में गाड़ी। वो पार्किंग के डिस्कशन है बाद में, फिर वक्त तो जाने दो। ठहरो अब तुम्हारी गाड़ी के आईने फोड़ देता हूँ। आईने फोड़ते भाई, तुम्हारी गाड़ी जगह कर देता हूँ। अब जिसका मियां पहले निकलेगा उसकी बीवी पहले जाएंगी, आप ऐसा बोले तो लास्ट मेरा ही नंबर आएगा। चलो गिब्बत तो भी कर लेंगे, दिमाग कहीं और तो भी जाता। ऐसा बोलते क्या, ठीक है मैं शुरू करती हूँ। वो मेरी एक दोस्त थी,